ग्रीन वैली करके छू आ चुके हैं। पहाड़ी एरिया पूरी देख सकते हैं आप, पूरी पहाड़ी के नीचे ढके हुए हैं। और अभी हम पैदल जा रहे हैं, हम अपने गांव से लगभग 10-12 किलोमीटर पैदल आ रहे हैं। यह हमारे पहले ज़माने का, जब इस जिस वक्त हमारे गांव में रोड नहीं था, उस वक्त हमारे लोग यहीं से आते थे। तो हमारे बूढ़े भी उस टाइम के बूढ़े भी 50 केजी का लोड लेके आते थे, देख सकते हैं। अभी तो क्या, अभी हमें 10 केजी उठा के चलने का मन नहीं करता है। रास्ता एकदम पूरे पहाड़ों में पूरे पत्थर आ चुके थे रास्ते में। पहले जब लोग चलते थे उस वक्त रास्ता एकदम क्लियर था, जब से लोग आने यहाँ से लोग आने बंद हो गए थे तो रास्ते में देख सकते हैं पूरे पत्थर ही पत्थर आ चुके हैं। थकावट भी हो रही है काफ़ी, क्या करें, अभी मार्केट भी तो जाना है। अभी यहाँ से आगे हमें लगभग और 5-6 किलोमीटर जाना है नेशनल हाईवे जाने के लिए। जो आपको दिखा रहा हूँ पार साइड में जूम करके देख सकते हैं, कारगिल पहुंचने में लगभग ये देख सकते हैं हमारे पास खट्टा है काफी। उड़ते हुए आ रहे हैं हम अभी, देख सकते हैं आप। अभी देख सकते हैं आप यहाँ चेरी भी तैयार हो चुकी है, अभी छोटे हैं। तो फाइनली हम करके छू पहुंच गए हैं, देख सकते हैं आप ये करके छू और यहाँ का रास्ता देख सकते हैं। पानी की बहुत कमी यहाँ पे भी देख सकते हैं, इस साल बर्फ और बारिश ना होने की वजह से हर जगह में पानी की कमी हो गई है। देखिए ये दरिया भी पूरा सूख चुका है, तो पहले भी यहाँ रोड नहीं था तो अभी नया नया रोड बन चुका है, देख सकते हैं। ये नया रोड है यहाँ का और यहाँ शायद बन रहा है अभी भी, तो अभी जस्ट अभी इसी साल यहाँ तक रोड आ चुका है, देख। पुल पहुंच गए हम,
अभी हम करकेचू ब्रिज पहुंच गए हैं, देख सकते हैं आप ये जो अभी नया रोड आया है उसका नया ब्रिज है। पहले काफ़ी पुराना था तो अभी नया बना चुका है, देख सकते हैं आप। ये रहा पुराना ब्रिज, देखिए। पूरे हवा भी बहुत तेज चल रहा है यहाँ। फाइनली हम छानीगुंड के हाईवे रोड पे पहुंच चुके हैं, देख सकते हैं आप।